अमराज़े कल्ब की सेंट्रल प्रोक्योरमेंट कमेटी की नाहली, 6 माह के बाद ऑक्सीजनेटर्स की खरीदारी मंसूख। सरकारी इलाज गाहों को अपने तौर पर इंतजाम की हदायत, दिल के मरीजों के बाईपास ऑपरेशन रुकने का खदशा। यूटिलिटी स्टोर्स वीरान, घी ऑयल का बदतरीन बहरान, सस्ता तो दरकिनार, महंगे घी के लिए भी शहरी हलकान। यूटिलिटी स्टोर्स पर 2 माह से शेल्फ खाली, दालों की भी किल्लत, शादमान समेत मुतद्दिद स्टोर्स पर सिर्फ 1 या फिर 2 दालें दस्तयाब हैं, शहरी परेशान। पेट्रोल और डीजल महंगा, ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 200 रुपए तक बढ़ा दिए। लाहौर से गुजरांवाला का किराया 100 रुपए, मुल्तान का किराया 50 रुपए बढ़ गया। उधर LPG महंगी होने पर रिक्शा ड्राइवर्स परेशान, चौक यतीम खाना में एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। कैम्ब्रिज मदरसतुल बिनात चौबुर्जी इराजी तनाजे पर सील कर दिया गया। स्कूल स्टाफ का जले इंतजामिया के खिलाफ शदीद एहतजाज, लेक रोड ब्लॉक करने पर एडमिन स्टाफ गुल हसन को गिरफ्तार किया गया। AC के ड्राइवर की गाड़ी खवातीन पर चढ़ाने की कोशिश, मुजाहरीन ने पानी की बोतलें दे मारी, हमारा स्कूल खाली करो के नारे। इमरान खान का 22 फरवरी से जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान, तहरीक का आगाज लाहौर से होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का खिताब, कहा JIT का सारा रिकॉर्ड गायब कर दिया, हमारे लोगों को पकड़कर जाली बयानात लिए जा रहे हैं। कप्तान से एकजहती के लिए काफिले जमान पार्क पहुंचने लगे, शेखपुरा से तनवीर विर्क और साथी भी आगे। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास, सैफुल मुल्क खोखर, ख्वाजा इमरान नजीर, बिलाल यासीन, सलमान नफीक, मलिक असद खोखर शरीक। मरियम नवाज साबिक अरकिन असम्बली की नाकिस कारकर्दगी पर बरहम, रहनुमाओं को पार्टी मुनज्जम करने के लिए अहम टास्क सौंप दिए। लाहौर के हल्का एन 135 का जिम्न इलेक्शन, PTI के उम्मीदवारान मलिक करामत खोखर, तोकीर अब्बास खोखर, मलिक सैफुल मुल्क खोखर, मलिक फैसल अयूब की स्क्रूटनी मुकम्मल। उधर इलेक्शन एपलेट ट्रिब्यूनल ने पीपल्स पार्टी के औरंगजेब भरकी की अपील खारिज कर दी, रिटर्निंग अफसर का फैसला बरकरार। पेस सेंटर गुलबर्ग में आतिशजदगी के 10 माह मुकम्मल, मालिकान ने जले हुए प्लाजे पर एडवर्टाइजिंग का 5 करोड़ का मुआहदा कर दिया, ये अपना पेट भरने में लगे हैं, ताजे ख्वार हो गए। सदर इरफान लतीफ फट पड़े, प्लाजे की बहाली और कारोबार शुरू करने की इजाजत देने का मुतालबा। कम आमदन अफराद के लिए हाउसिंग लोन आसान बनाने का फैसला, अखुवत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस के जरिए 80 करोड़ के आसान कर्जे दिए जाएंगे। पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी के बोर्ड की तश्कील नो का हुक्म, निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी की हस्पतालों में अद्वियात की बिला ताकुल फराहमी भी हिदायत जारी की गई। पंजाब में गंदम की फी मन कीमत 4000 करने की सिफारिश, नए सीजन में 35 से 45 लाख मेट्रिक टन गंदम की खरीदारी का हदफ मुकर्र, 352 से 452 अरब के अखराजात का तखमीना। निगरान हुकूमत के दायरे इख्तियार का केस, पंजाब हुकूमत इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकेन की वकला के दलाल दिए, हाईकोर्ट ने समाअत 20 फरवरी तक मुलतवी कर दी। PTI के मजीद अराकीन के इस्तीफे मंजूर करने के केस में स्पीकर समेत दीगर फरीकेन को नोटिस जारी। पंजाब में इंतखाबात कराने का मामला, इलेक्शन कमीशन की हाईकोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी इंतखाबात कराना है, तारीख देना नहीं, अपील में मौकफ। हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच 20 फरवरी को समाप्त करेगा। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर के तबादले का ऑर्डर मुअत्तल, जबानी दरखास्त पर कैसे तबादला कर दिया, जस्टिस मुनीब अख्तर का इस्तफसार, पहले भी ऐसे तबादले होते रहे हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का जवाब, क्या सरकारी इदारे जबानी काम करते हैं, जस्टिस एजाजुल अहसन ने केस निपटा दिया। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर के तबादले का मामला, नैब ने परवेज इलाही के खिलाफ तहकीकात की मंजूरी दे दी। साबिक वजीर आला पर ठेकों में किकबैक्स, मुबैना करप्शन का इल्जाम, साबिक एक्सियन हाईवे राना इकबाल के इल्जाम पर इंक्वायरी शुरू की गई। उधर नून लीग का परवेज इलाही की मुबैना आडियो के खिलाफ एहतजाज, इंक्वायरी कराने का मुतालबा। फराह गोगी और जमील गुजर को कॉल अप नोटिस, दोनों बैरून मुल्क हैं, FIA में पेश नहीं होंगे, वकील अजहर सिद्दीक ने जवाब जमा करा दिया।
एफआईए ने 84 करोड़ की मशकूक ट्रांजैक्शन पर आज तलब किया था। मनी लॉन्ड्रिंग और जायद असासाजात का केस, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज समेत अहले खाना के खिलाफ जमानत, हारून यूसुफ अबूरी जमानत में हाजिरी के लिए एहतसाब अदालत पेश हुए, हमजा शहबाज की हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब माइनॉरिटी विंग का इजलास, कायम मकाम सदर वस्ती पंजाब राणा फारूक सईद की शिरकत, इमरान अटवाल, कामरान खलील, नसीम सहोत्रा, वसीम शहाबुद्दीन, औरंगजेब बरकी भी शरीक हुए। अब्दुल बासित फर्नीचर हाउस समनाबाद के मालिक के खिलाफ डिग्री जारी, फर्नीचर की रकम 49,000 और 20,000 रुपए हर जाना भी देना होगा। फैन रोड के मोहम्मद नवाज ने नाकिस फर्नीचर देने पर सारिफ अदालत में दावा दायर किया था। गवर्नर बलीगुर रहमान से ओवरसीज सरमायाकारों के वफद की मुलाकात, अमार रूपानी, खुरम जावेद, नुमान दलत शामिल, टेक्सटाइल की मसनूआत इम्पोर्ट करने समेत दीगर अमूर पर भी बात की गई। कैप्टिव पावर प्लांट पर गैस बंद, हुकूमत ने बिजली भी महंगी कर दी, एक्सपोर्ट के अहदाफ में 8 अरब डॉलर कमी हुई। चेयरमैन एफ्टमा पंजाब हामिद जमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पंजाब को बिजली और गैस महंगी मिल रही है, सनअतों का पहिया कैसे चलेगा। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का इजलास, डॉक्टर साकिब अजीज ने सदारत की, शोएब जदून, डॉक्टर मोहम्मद यूनस, डॉक्टर मुश्ताक सुलहरिया की शिरकत, अस्पतालों की वेस्ट मैनेजमेंट से मुतालिक मसाइल और उनके हल पर बात की गई। आलमी मियार के 7 स्टार डॉक्टर्स तैयार करने का मिशन, MBBS का निसाब 1-2 के बाद तब्दील, तुलबा को 5 साल में 5500 घंटे पढ़ाया जाएगा, इम्तिहानात में 80% हिस्सा इम्तिहानात, 20% कारकर्दगी का होगा, MPhil मास्टर्स प्रोग्राम्स में थीसिस की जांच गैर मुल्की मुमतहिन से कराने की शर्त खत्म। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जेर सदारत इजलास, वर्की रोड पर मुख्तलिफ महकमाजात के कॉम्प्लेक्सेस बनाने पर तबादला ख्याल, डायरेक्टर डेवलपमेंट की साइट और मास्टर प्लान पर ब्रीफिंग, 400 से ज्यादा गाड़ियों के लिए पार्किंग बनेगी। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक मसूद अनवर की जेर सदारत इजलास, पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों में कमी पर तबादला ख्याल, रमजानुल मुबारक में फेयर प्राइस शॉप्स लगाने का फैसला, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स शाहिद जमान की जेर सदारत इजलास, हॉर्स एंड कैटल शो की तैयारियों का जायजा। GC यूनिवर्सिटी में सूफी म्यूजिक की तकरीब, तुर्क बैंड ने भी धुने बिखेरी, उधर पाक तुर्क इंटरनेशनल स्कूल और कॉलेज में जलजला जदगान की इमदाद के लिए कैंप, तलबा, वालिदैन, असातिज़ा और इंतजामिया समेत सब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कमिश्नर का DPS स्कूल और कॉलेज मॉडल टाउन का दौरा, क्लासरूम्स में गए KG और नर्सरी के तलबा की हौसला अफजाई की। मुखैर हजरात का तावन, 22 कैदी रिहा, कोटलकपुर जेल में बंद 22 कैदियों को आजादी मिल गई, सजा के बावजूद जुर्माना अदा न करने पर जेल में बंद थे, मुखैर हजरात की जानिब से 2 करोड़ रुपए जुर्माना अदा किया गया। फिलेटेज होटल की जानिब से वर्कर्स के एजाज में तकरीब रखी गई, डायरेक्टर ऑपरेशंस इरशाद बी अंजुम ने बेहतरीन मुलाजमीन को अवार्ड से नवाजा, साफ इमरान की सालगिरह का केक भी काटा गया, मलिक जीशान, माजिद खान, आमिर रजा खाजा, अजमल भी हमराह थे। UET में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के तहत तकरीब, PhD, MPhil और BSc के तुलबा शरीक हुए, VC डॉक्टर मंसूर सरवर, प्रोफेसर डॉक्टर शाजिया बशीर, प्रोफेसर डॉक्टर समिया शाहिद ने शिरकत की। नेड कॉलेज का सालाना स्पोर्ट्स फेस्टिवल, तालिबात का शानदार मार्च पास, तालिबात में चाटी रेस, 400 मीटर रैली रेस, म्यूजिकल चेयर के मुकाबले, इब्तदाई तकरीब में प्रिंसिपल रुखसाना डेविड, DD स्पोर्ट्स पंजाब तारिक कुरैशी की शिरकत। रुस्तम में पाकिस्तान दंगल के क्वार्टर फाइनल मुकम्मल, 4 कुश्तियों का फैसला हो गया, तैयब रजा अवान ने गुल्लू पहलवान को चित कर दिया, आसिफ पहलवान ने उमर बट को धूल चटाई, शहजाद प्रचार ने सैफुल्ला नियाजी को शिकस्त दे दी और जमान जानी पहलवान ने नौमी पहलवान को जीत कर दिया।
पंजाब इंटर क्लब वेट लिफ्टिंग गाला चौबुजी ग्राउंड में मुकाबले 250 से ज्यादा खिलाड़ियों की शिरकत। सदर पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन हाफिज इमरान बट ने इफ्तिताह किया। फातेह खिलाड़ियों में मेडल्स स्वीनियर और शील्ड तकसीम की जाए। जिना गोल्ड कप पोलो टूर्नामेंट बीएन क्लब ने एफजी क्लब को शिकस्त दी। 6 के मुकाबले में 7 गोल से फतेह समेटी। फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। जेएम सुपर लीग टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट जेआईसीए ने पाक वॉरियर्स को 9 रन से शिकस्त दी। फरहान 86 रन के साथ नुमाया रहे।